एस बेटी में, जहां आप देख सकते हैं कितनी शांति चल रही है लॉकडाउन के तहत। जो भारत सरकार ने जो कदम उठाया लॉकडाउन के, उसके तहत देख सकते हैं आप देहरादून के सभी रोड इस समय खाली हैं। इसके अलावा पुलिस जो है वो अपना मुस्तैदी से पालन कर रही है भारत सरकार के सभी नियमों का। यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस तैनात है सभी जगह। आप लोग चार तक देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उधर मेरे पीछे ISBT है, जहाँ कभी चहल पहल होती थी, आज इस समय बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ी है सारी सड़कें लॉकडाउन की वजह से। एक COVID-19 का मामला जब से सामने आया, जब से यहाँ के जो भी आप देख सकते हैं सभी सड़कें खाली। आइए बात करते हैं हम अपने पुलिस अधिकारी से जो इस समय यहाँ ड्यूटी कर रही हैं। मैं बात करती हूँ, आपकी बात करा देती हूँ मैम। आपसे जानना चाहूँगी जैसे कि पुलिस प्रशासन इस समय मुस्तैदी से खड़ा है, तो जो आम नागरिक है उसको क्या आप लोग सहूलियत प्रदान कर रहे हैं? आम नागरिक देखिए, पहले तो जो मजदूर बाहर से दिल्ली से कहीं से बॉर्डर से इस साइड आ रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे रेंट बसेरा बनाया हुआ है, जिसमें हमें हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा ये निर्देश दिया हुआ है कि उनके साथ बहुत ही विनम्रता के साथ पोलाइटली उनको समझाना है। उनको जो राशन पानी हमें यहाँ पे मिल रहा है हम उन तक पहुँचा रहे हैं, बाकी जितना हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं। मैम इसके अलावा दवाइयाँ भाई, बाकी जो ये रैन बसेरा बने हुए हैं यहाँ पे, उनके लिए सारी सभी तरह की जो भी सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई गई है, जिसमें चिकित्सा है, भोजन है, सभी चीज़ का सैनिटाइजर, मास्क, ये सब चीज़ उनको। तो मैम जैसे कि बाहर के लोग आ रहे, तो उनको जाँच वगैरह भी हो रही है? जाँच वगैरह हो रही है, डॉक्टर्स की टीम उनको चेकअप कर रही हैं, और बाकी अगर कोई इस तरह का लग रहा है तो उसको। मैम इसके अलावा जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ आपका पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्ती कर रहा है, तो उसके अलावा जो कि आम नागरिक यहाँ घूम रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस प्रशासन के? जो बेफिजूल यहाँ पर घूम रहे हैं, देखिए हमारे जो CM सर हैं, उन्होंने कुछ लॉकडाउन में थोड़ा वो दिया है टाइम पीरियड, कि इस टाइम पीरियड पे जिनको ज़रूरी सामान लेना है वो घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उनके अलावा अगर कोई बेफालतू में अगर घूम रहे हैं, उन लोगों के वाहन सीज हो रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। तो मैम जैसे कि तो इसमें कोई सुधार आया है कि जैसे कि 22 तारीख से अब तक लॉकडाउन हो रहा है, तो कोई सुधार आया है? देखिए हम तो एक पॉइंट में देख रहे हैं, लेकिन आप मीडिया है तो आप सारे एरिया को कवर कर रहे हैं, तो आप शायद हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, यहाँ हम बात कर रहे थे मीरा सदलानी जी से, जिन्होंने बताया कि काफ़ी सुधार आया है 22 तारीख के बाद से यहाँ पे, कि जो भी आम जनता है वो बेवजह नहीं निकल रही है। जो भी सरकारी स्कीम चल रही है, जो भी बिजली, जो भी दवाई पानी आपका है, वो सब मुहैया कराया जा रहा है, साथ ही साथ घरों में भी पुलिस जाके सामान मुहैया करा रही है। कि ISBT में जहाँ के CEO का मैं आपसे वार्ता कर रही हूँ, जिनसे मैं पता करती हूँ कि आज जो भी इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो उसमें पुलिस प्रशासन किस तरह से आम जनता की सहायता कर रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी अरुण जी, कि इस समय जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो पुलिस प्रशासन किस तरह से आम जनता की जो है सहायता कर रही है? होम डिलीवरी सिस्टम भी डिज़ाइन किया है, तो उसके तहत आप घर बैठे सामान मंगा सकते हैं, उसकी PDF सर्कुलेट कर ली, जगह पोस्टर लगाए हैं, और ताकि लोगों का होम डिलीवरी। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डिलीवरी बॉय का सिस्टम सर, इसके अलावा जैसे कि बाहर सड़कों पे जो है नागरिक, तो उनके लिए जिनके घर नहीं है, जो बाहर से यहाँ लोग रहने आ रहे, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी दे रही है? उसमें कुछ रुकने की व्यवस्था कराई है लेबर क्लास के लिए, और बाकी उन्हें राशन के राशन और खाने रहने की व्यवस्था कराई है। तो सर बाहर से कोई जैसे आ रहे हैं पर्यटक, बाहर रह रहे हो यहाँ आ रहे हैं उत्तराखंड में वापस, तो उनका क्या चिकित्सा सर? इसके अलावा जैसे कि बाहर जो ऐसे नागरिक घूम रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? अब जैसे हमने 20 गाड़ियाँ तक सीज की थी, 16 आज की है नगर क्षेत्र। इसके अलावा जो भी बाहर हो रहा है उससे 188 कार्यवाही की जा रही है। तो अब कोई सुधार आपको लगा है सर, कि क्या बताएं, आम जनता सपोर्ट कर रही है पुलिस प्रशासन को, सरकार को, या अभी भी वैसे ही चल रहा है कि नॉर्मल की जनता बाहर आ रही है, घूम रही है, और आप लोगों को उन पर कार्रवाई करनी पड़ रही है? अभी आम जनता सपोर्ट कर रही है। जी, तो देखिए जैसे कि आपने देखा कि मेरी अभी बात हुई CEO से, उन्होंने कहा है कि आम जनता सपोर्ट कर रही है भारत सरकार को और पुलिस को। मैं न्यूज़ 19 से अनुकृति, मेरे साथ है बॉबी यादव कैमरा।